हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, यहाँ पे एक और अपडेट आया हुआ है मध्य प्रदेश एनएचएम सीएचओ का, और यहाँ जितने भी कैंडिडेट हाल ही में अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग करने के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, ठीक है। 13 तारीख से 15 तारीख तक ये लिंक यहाँ पे एक्टिवेट रहेगी। करीब करीब 2 दिन और है आपके पास, 14 तारीख और 15 तारीख का। तो आप लोगों को क्या करना है, चॉइस फिलिंग कर देनी है। और ये जो चॉइस फिलिंग हो रही है सब हेल्थ सेंटर के लिए हो रही है। एसएससी का मतलब क्या है, सब हेल्थ सेंटर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र। जितना भी प्रशिक्षण वगैरह होगा आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा जो अभी आप सिलेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे जितना भी वर्क वगैरह है आप लोगों को पूरा का पूरा प्रशिक्षण यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। और ये क्या टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा, ठीक है। और आपको फिर बाद में जो भी फाइनल अलॉटमेंट हुआ है वो आपको बाद में अलॉटमेंट हो जाएगा। ये टेम्परेरी बेसिस पर रहेगा। यहाँ पे आप लोग पूरा कोर्स वगैरह सीखेंगे सीएचओ का, और जो कुछ भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा यहीं पे। तो उसी हिसाब से क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक्स वगैरह दिए गए हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे चुन लेने हैं। तो ऐसे आपको क्या है, प्रेफरेंस वगैरह देनी है, आपकी मर्जी है कितने भी प्रेफरेंस आप लोग दे सकते हैं, उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। आप लोग चाहे तो पूरे के पूरे प्रेफरेंस भर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि 10 से 20 भर देना है, आप लोगों को लग रहा है कि 5 से 7 में आपका काम बन जाएगा, तो आप लोगों को प्रेफरेंस आपको भर के अभी देनी है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा एक कैंडिडेट का पूरा एनालिसिस किस तरीके से ये पेज आपको निकल के आएगा, और वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आएगा। शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, सभी फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप में जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, और वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो उनको ये जानकारी शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर उनको नहीं मिली तो वो लोग अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे और उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। तो शेयर जरूर करिएगा सभी फ्रेंड्स लोगों में अपने, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, छोटा से छोटा अपडेट जो भी आ रहा है हमारा चैनल इसको कवर कर रहा है। आगे अलॉटमेंट आएगा तो वो भी हम इसमें आपकी जानकारी देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी जानकारी आप सभी लोगों को इसी तरीके से मिलेगी। और एमपी ऑनलाइन 1 से 2 दिनों के अंदर का बहुत सारा अपडेट यहाँ पे देने वाला है, और आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा अपडेट 1 या 2 दिन में ही आया हुआ है। और इसी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरी जानकारी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने अपडेट की ओर। और अपडेट में ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक हेयर बोला गया है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर करें। क्लिक करने के बाद जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए पेज यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस पेज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगी। आप सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन्स पर भी इस लिंक को एक्टिवेट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पर, ठीक है। वीडियो के जस्ट नीचे एक बॉक्स दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो इजिली आप लोग इसको लिंक को एक्सेस कर पाएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और जितना भी ये डेटा है आप लोगों को क्या करना है, एमपी ऑनलाइन का सेंटर जो रहता है मार्केट में, कियोस्क जिसको हम कहते हैं एमपी ऑनलाइन का, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे उसको बोलना है कि उसको चॉइस फिलिंग करवानी है, ठीक है। उसको बोल दीजिए वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दीजिए सब हेल्थ सेंटर की, तो वो वहाँ की आपकी जो कुछ भी फीस वगैरह रहेगी उसमें, तो वो आपकी फीस ले लेगा और वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग कर देगा। फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फीस इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की है कितनी इसमें फीस लग रही है, नहीं तो मैं आपको इसमें आपको बता देता कि इसमें कितनी फीस वगैरह लग रही है। हालांकि पहले कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, उनको पता है कि इसमें कितनी फीस वगैरह लग रही है, और जितने भी कैंडिडेट पहले यहाँ पे चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं उनको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि उनको अब दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो जितने भी कैंडिडेट हैं पहले चॉइस फिलिंग करा चुके हैं तो वो एक बार फिर से ये सारी डिटेल वगैरह चेक करके एक बार चेक कर सकते हैं, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट अभी हाल ही में अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं तो वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन अभी अभी फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है, आप लोगों को 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। और आपको अपने ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट भर लेने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। और एप्लीकेशन नंबर आप सभी लोगों के पास है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है। और यहाँ पर आंसर में आपको यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 2+4 लिखा है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक कैंडिडेट की मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी मैं यहाँ पर डालूंगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसकी हाइट रहेगी। और ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप सभी लोग इसमें समझ जाएँ कि इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन जो निकल के आएगी वो क्या रहेगी। ये मुझे इसकी डिटेल वगैरह डालने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो फिर मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे अभी मैं डाल देता हूँ उसकी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ,
और यहाँ पे डाल देता हूँ 4+2=6, और फिर क्या करता हूँ यहाँ पे सबमिट का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये सबमिट पे ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आगे वाला जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। तो सबमिट कर देने के बाद जो पेज खुल के आया वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, आपकी डिटेल वगैरह यहाँ पे नजर आएगी, आवेदन क्रमांक वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आएगी। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं SHC पोस्ट सिलेक्शन मीन्स क्या है, इसका मतलब सब हेल्थ सेंटर का आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम, और यहाँ पे लिखे हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे वो नाम दिए गए हैं, और आपको क्या करना है इन पर टिक करते जाना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जब कभी भी आप टिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। और जितनी भी चाहें आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट और जितने भी ब्लॉक करना चाहें सिलेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक इसमें सिलेक्ट करके बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो नीचे की तरफ मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जिलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके बाद दिए हैं ब्लॉक के नाम, सारे जितने भी जिले हैं, सारे जितने भी ब्लॉक हैं। फिर आपको क्या करना है, ये ब्लॉक जितने भी दिए हैं इसको टिक कर देना है, और ये जैसे ही आप टिक करेंगे वो जानकारी यहाँ पे ऐड होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे ये ऐड हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ठीक है। कम से कम 5 से 6 तो करिए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना है तो आप लोगों को उसी हिसाब से फिल करना चाहिए। तो क्या करना है, देखिए जैसे कि मान के चलता हूँ आपकी मर्जी है, जैसे 15वें नंबर का ये अशोक नगर का चंदेरी है, आपको पहले नंबर पे लाना है। तो ये देखिए ये ऐड हो चुका है कुछ इस तरीके से यहाँ पे चंदेरी। अब मैं अगर आपको पसंद यहाँ अशोक नगर में ही आप लोगों को पसंद आ रहा है, जैसे मान लें ईसागढ़ आपको पसंद आ रहा, तो ये फिर से ऐड हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से फिर नीचे के करना है, आप लोगों को मन है जिस हिसाब से आप लोग करिए। उसके बाद आपको लग रहा है अलीराजपुर के करने हैं तो आप लोग अलीराजपुर के इस तरीके से आप लोगों को ऐड करते जाना है, जो भी आप लोगों की प्रेफरेंस वगैरह। आपको भोपाल के करने हैं, ग्वालियर के करने हैं, ठीक है, जो भी आपका मन मर्जी है। आप लोग जहाँ पे भी अपना प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आप लोग इजीली तरीके से इसको फिल करिएगा। और इसमें फिल करने के बाद क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ आना है और उसको क्या करना है फिर आपको सबमिट कर देना है। हालांकि मैं इसको अभी सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ये सब मैंने आपको बताने के लिए किया है। तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर उसके बाद जो भी रसीद निकल के आएगी, रसीप्ट, उसको आपको संभाल के रखना है। तो ये पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सभी लोगों को इसको शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं उनको जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ये जानकारी सभी लोगों को पहुँचनी चाहिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके रखिए। आगे के अपडेट्स भी इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है CHO से जुड़ी हुई, पूरा का पूरा अपडेट हमारा चैनल ये कवर कर रहा है, और कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, ये मेरा वादा है। उसके लिए क्या करना होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आगे की इन्फॉर्मेशन जो मैं डाल रहा हूँ वीडियोज़ के फॉर्म में इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।